नमस्कार, मैं माही और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल P24 न्यूज एक्सप्रेस। आइए करते हैं शुरुआत आज की खास खबरों के साथ। वजीरपुर कस्बे में पेयजल की किल्लत को लेकर अब ग्रामीणों को जल संकट सताने लगा है। लोग अपने स्तर पर महंगे दामों टैंकरों से पानी की सप्लाई मंगवा रहे हैं। कस्बे के वार्ड नंबर 22 की कई महिलाओं सहित ग्रामीणों ने बताया कि जल दाय विभाग के कर्मचारियों को कई बार अवगत करा दिया है, लेकिन समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। अगर समाधान नहीं हुआ तो पेयजल को लेकर आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार शासन व प्रशासन होगा। तो का करे तो ये एसी का फोटो जवाब है और का करे कोई कोई मदद नहीं करे। मदद करे तो जाए माने सब आ गए बुलाए पानी तो होना चाहिए ना, पानी तो रहना चाहिए कम से कम 20 घंटा। अरे 20 घंटा पानी दोगे नहीं तो दुनिया आने का भारी काम है। जा कुछ तो करो, कोरोना से तो नहीं मरेंगे कि तू पानी से तो मरेंगे भैया, पानी नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे। एक घड़ी का रोटी मार दो तो अपन तो पानी पहले, ये डायलॉग सही है। क्या परेशानी है? पानी नहीं आता बिल्कुल। कब से नहीं आता पानी? महीने भर हो गया। इसी से कह आपने जल्द आए आपको हाँ करी। क्या कहते हैं कर्मचारी? क्योंकि आ जाएगा आ जाएगा आप आएंगे। क्या नाम है? मेरा रीना नाम है। अच्छा, कहाँ की रहने वाली? वजीरपुर की। वार्ड नंबर 22 नंबर। क्या परेशानी है? एक महीने से पानी नहीं आ रहा, बहुत परेशानी है रही है पानी की। रीना मेरा नाम है। पानी की लापरवाही बहुत है, कोरोना से तो बात में मरेंगे, पहले पानी से मर जाएगी पब्लिक। और यहाँ पानी की बहुत परेशानी आ रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन नलाते हैं, 5-10 मिनट नलाते हैं, लाइट चली जाती है, उसके बाद पानी की बिल्कुल पूर्ति नहीं हो रही। और जलदाय विभाग वालों से शिकायत भी की पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस समय हम मैं 22 वार्ड नंबर 22 में हूँ। इन लोगों का कहना है कि पेयजल की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार शर्मा है और वार्ड नंबर 22 से करीब महीने भर से पानी नहीं है और प्रशासन को भी SDM साहब भी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि पानी की समस्या कितनी है। कोरोना काल में पानी की बहुत आवश्यकता है, टैंक भी खाली पड़े हैं, जो जल नल विभाग के कर्मचारी हैं वो भी ध्यान नहीं देते हैं। JN AN वगैरह को तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पर, वे तो आके नहीं देखते क्या हो रहा है। तो पानी की व्यवस्था महत्वपूर्ण है, यदि इनने कार्रवाई नहीं की तो हम आगे उनकी शिकायत CM साहब से या सिंचाई मंत्री से करेंगे। और इसमें भी यदि कोई सुनवाई नहीं होती है तो आंदोलन भी किया जाए। मेरा नाम मंजू शर्मा है, 22 नंबर बात की बोल रही हूँ। और बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, आता है तो 10-5 मिनट आता, सिर्फ सब टंकियाँ खाली पड़ी हुई है। कोरोना में वैसी हम बहुत परेशान हुए हैं। क्या नाम बताओ? जल विभाग से हमारी अपील है, हमारी अपील है जलदाय विभाग से। जलदाय विभाग किस पद पर? मीटर। अच्छा, वजीरपुर कस्बे के लोगों को कहना है कि कई वार्डों में पानी की किल्लत बरकरार चल रही है, क्या कारण है और कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा? फिलहाल में पानी की कमी चल रही है, फिर और जल्दी से जल्दी व्यवस्था बनाने की। नहीं, जो पानी की व्यवस्था खराब है वो किस कारण है? मतलब चंबल से पानी कम, चंबल से पानी आ रहा है। चंबल से पानी आ रहा है, इसका पॉइंट कहाँ है? चंबल का? चंबल में नहीं, जो पॉइंट लगा रखा है जिस जगह पानी खुलता है। CWR है? CWR सनोप उमेश चंद शर्मा। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्याएं आ रही है, पिछले 15 दिनों से सुबह के टाइम 5 मिनट पानी आता है और हमें पानी के लिए बहुत ज़्यादा दूर तक परेशानी झेलनी पड़ रही है। हम सुबह सुबह पानी लेने के लिए सुबह लाइन लगानी पड़ती है। पानी की जलदाय विभाग की ये इतनी लापरवाही है कि सुबह पानी नहीं छोड़ते और तुरंत उसको बंद कर देते हैं। आपसे निवेदन है कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। इंसान आज के टाइम कोरोना से ज़्यादा परेशान है और हमें 2 किलोमीटर दूर से ही पानी लाना पड़ रहा है, तो आपसे निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी इस पानी के समाधान किया जाए। कुमार व्यास। जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण पिछले 15 दिनों से हमारे यहाँ वार्ड नंबर 22 में
पानी जो है मात्र 5 से 10 मिनट के लिए आ रहा है, और कई बार हम जलदाय विभाग को इस बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है और कोई भी समाधान होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।